नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल मैं आपका स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इंग्लिश के हाई स्कूल का एक मॉडल लेकर आया हूँ, जिसकी सहायता से आप आराम से अपने पेपर को इजी कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन को हल करना है, कैसे आपको अच्छे से मार्क करना है, वो सारी चीज़ें हम इस पेपर में हम लिख करके आपको बताए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन से क्वेश्चन को आपको हल करना है, कौन कौन सा याद करना है आपको, जिससे कि आप इंग्लिश में अच्छा मार्क कर सकें। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हम हिंदी की और सभी भी सब्जेक्ट की हम धीरे धीरे वीडियो डाल दिए हैं, तो आप जाकर हमारे चैनल पर, यहाँ टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिखाई देगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको बहुत सारी प्लेलिस्टें मिल जाएंगी, आपको इंटर्स की, हाई स्कूल की और मोबाइल और कंप्यूटर टेक्निकल वीडियोज भी मिल जाएंगी नीचे। तो हम देर नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और क्या चीज़ें हैं उसको बताएंगे। तो इस तरह से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से इसमें आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और 3 घंटे 15 मिनट में आपको 70 मार्क्स लगाने हैं। ओके, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका बटा रहेगा। उसके बाद क्या चीज़ें हैं टोटल डिटेल आपको दिखाते हैं। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन रहेगा ये रीड पैसेज द आंसर क्वेश्चन, मतलब पैसेज आएगा आपका प्रोज से, जिसको हम पूरा डिटेल लिखे हैं, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। उसमें आपका पैसेज रहेगा प्रोज से, आप प्रोज को पढ़ लीजिएगा। उसमें से आपको पहला प्रश्न, दो प्रश्न पूछे, पैसेज के नीचे दो प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न रहेगा जिसमें आपका लेसन का नाम पूछा जाएगा और राइटर का नाम पूछा जाएगा। अगर इसको प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आप 2 नंबर मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन, अ क्वेश्चन टेकन अबाउट दिस पैसेज, मतलब इस पैसेज के से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपका 2 नंबर रहेगा। वैसे इसके अनुसार से दोनों प्रश्न रहेंगे, यानी प्रोज से रहेगा, टोटल 4 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से ये टोटली मार्क्स आपका रहेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी बड़ा क्वेश्चन जो होता है, बड़े क्वेश्चन। तो बड़े क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन में आपका ये प्रोज से रहेगा, जैसा कि हम सामने दिखा रहे हैं, जो 60 शब्दों में लिखना होगा। ये भी आपका 2 प्रश्न आएगा, तो 1 प्रश्न करना होगा और प्रोज से रहेगा, तो ध्यान रखना 4 मार्क्स रहेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 25 वर्ड में लिखना होगा और 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना होगा, 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करना होगा, 2 नंबर का, 4 नंबर का टोटल ये रहेगा। ये भी प्रोज से जुड़ा रहेगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा आपका चौथा मैच मिलान, कहने का मतलब मैचिंग होता है, मिलान रहेगा, 4 मैचिंग रहेंगी आपको, 4 नंबर का, एक एक नंबर, अगर एक मैचिंग सही रहेगा तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। जो कि ये मिलान रहेगा ये भी प्रोज से जुड़ा रहेगा, प्रोज से जुड़ा रहेगा। प्रोज में आपका ये आपको ध्यान रखना है, मिलान किससे करना है, या तो उसका विलोम रहेगा तो समानार्थी रहेगा। विलोम करने का जैसे इस्माल, यानी इस्माल का बिग होगा, तो इस्माल का उल्टा भी आएगा, इस्माल का समानार्थी भी आएगा, यानी आपका सिनोनियम सर। तो इस तरह से मैचिंग मिलान आएगा, मैचिंग मिलान आपका हो जाएगा। उसके बाद जिस तरह से आपका प्रोज से आया था ढूंढने वाला, कहने का मतलब उसी पैराग्राफ से, उसी तरह इसमें से 5वां क्वेश्चन आएगा, स्टैंजा आएगा पोएट्री में से, पोएट्री में से जुड़ा हुआ रहेगा, जिसमें आपको स्टैंजा रहेगा, तो 2 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे, नीचे 2-2 अंक का रहेगा, सेम जैसे प्रोज में था उसी तरह पोएट्री में से आएगा। और उसमें आपका स्टैंजा दिया रहेगा, तो पहला स्टैंजा, पहला क्वेश्चन लगभग जो रहेगा उसमें आंसर में पोएम का नाम लिखना होगा और उसमें एक पोएट का नाम लिखना होगा जो उसके कवि होंगे, इस स्टैंजा के अनुसार रहेगा। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और रहेगा जो भी पोएम के अनुसार रहेगा, यानी कि पोएट्री में जो आएगा, ये आपका 4 नंबर का आएगा, टोटल आपका 4 नंबर का रहेगा। तो स्टैंजा के हिसाब से इतने क्वेश्चन ये रहेंगे। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया आएगा और पोएम आएगा, या तो पोएम लिखेंगे 4 लाइन की
दोनों में से एक करना होगा। हम पूरा डिटेल दिए दिए इसका पीडीएफ आप जाके डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा डिटेल लिखे हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया रहा है उसी तरह। 3 मार्क का रहेगा, या तो सेंट्रल आइडिया लिखेंगे या तो पोएम लिखेंगे, और सेंट्रल ये कौन कौन से लिखना है उसको भी हम बता दिए हैं नीचे, इसमें से आपका पक्का मिल जाएगा। इन सेंट्रल आइडिया को याद कर लीजिएगा जैसा कि आपको सामने हम दिखा रहे हैं, द फाउंटेन, द फार्म ऑफ लाइफ और नेशंस बिल्डर, द नेशंस बिल्डर्स। ये आपका 3 लेसन है जिसमें से सेंट्रल आइडिया याद करना, नहीं तो आप 4 लाइन की पोएम याद कर लीजिए जो पेपर में ना आया हो, इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर, शार्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, छोटा क्वेश्चन होता है। छोटे क्वेश्चन में आपको इसमें छोटे क्वेश्चन में जिस तरह आपका प्रोज से आया था उसी तरह इसमें 25 शब्दों में लिखने का आएगा। 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करना रहेगा, ये सप्लीमेंट्री से आएगा, ये सप्लीमेंट्री से आएगा जिसमें आपके 3-4 पार्ट हैं उसमें से आपको, तो ये 3 प्रश्न 2 प्रश्न करना, 2-2 अंक का रहेगा, 4 अंक का। उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन रहेगा ट्रू एंड फाल्स। ट्रू एंड फाल्स में आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स रहेगा, 4 मार्क्स का टोटली, ये भी सप्लीमेंट्री से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। जिसमें आपको सही के आगे टी का चिन्ह लगाना पड़ेगा, गलत के आगे एफ का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ए रहेगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप कंप्लीटली आपको जानकारी हम देंगे, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा डिटेल आपको बताएंगे, आपको पक्का इसमें से मार्क्स भी मिल जाएगा, तो सब पूरा देखते जाइए वीडियो। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा अल्टरनेटिव बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है जिसमें 4 प्रश्न होंगे, 4 नंबर के 1-1 प्रश्न, आपको जो भी सही रहेगा वही आंसर लिखना होगा, ये भी सप्लीमेंट्री से जुड़ा रहेगा। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस में से आएंगे, ये आपको ध्यान में हम करा दे रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए, ये सप्लीमेंट्री से आएगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है जो ग्रामर से रिलेटेड है। ग्रामर से रिलेटेड में आपको पहले क्वेश्चन में जो रहेंगे इसमें आपको 4 रहेंगे, 4 में ए रहेगा, ए आपको ऑर्डर सेट करना रहेगा, यानी आगे पीछे रहेगा, कर्ता कहीं, क्रिया कहीं, कर्म कहीं रहेगा, उस ऑर्डर को आपको सेट करना होगा, 2 अंक मिलेगा। और उसके बाद चेंज इनटू पैसिव वाइज में चेंज करना होगा, वो भी 2 नंबर का रहेगा। करेक्ट वर्ब क्रिया दी रहेगी उसका सही फार्म यूज फिल करना होगा, यानी छोड़ा रहेगा थोड़ा स्थान, उसको भी 2 अंक रहेगा। और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा, ये भी 2 अंक का रहेगा। टोटली ये ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे, इस सबको मिलाकर आपको टोटली 8 नंबर मिल जाएगा। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन होगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा 11 नंबर में, करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी आपका प्रीपोजिशन आएगा जिसमें से इज, ओ सॉरी, इन, फॉर, ऑफ, एट, तरह तरह के प्रीपोजिशन आएंगे, ब्रैकेट्स में से दिए रहेंगे 2-3, उनमें से एक करेक्ट आपको चूज करना रहेगा। तो ये आपको अंदाज से तुक्का भी लगा सकते हैं, तो ये भी आपको जरूर करके आना है, ठीक है, प्रीपोजिशन। और दूसरा रहेगा सेंटेंस कंप्लीट करना होगा, यानी छोटा सेंटेंस दिया रहेगा जैसे सी इज गोइंग टू दिल्ली, अब गोइंग टू दिल्ली के हिसाब से आपको पूरा करना रहेगा, डॉट डॉट ऐसे छोड़ दिया, पूरा वाक्य करना होगा। ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इसमें भी 2 नंबर का। उसके बाद कंप्लीट द स्पेलिंग, स्पेलिंग रहेगी जैसे कि आपका एप्पल की स्पेलिंग है, तो ए छोड़ के पी एल फिर ई छोड़ के ऐसे इसी तरह छोड़ के स्पेलिंग फिल करना होगा, वो एक आधा आधा नंबर का रहेगा, यानी कि आपको टोटल 1 नंबर का रहेगा, 2 स्पेलिंग आएंगे। उसके बाद पंचुएशन आएगा, पंचुएशन में आपको क्या होता है कि लेटर और लेटर छोटा बड़ा रहेगा, उसको कंप्लीट करना होगा, और सिंबल भी, जैसे सिंबल में आपको ध्यान रखना, एक प्रश्नवाचक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, शुरू और स्टार्ट और बंद दोनों, ये 3 सिंबल का यूज बराबर जान लीजिएगा, फुल स्टॉप का भी। और उसके बाद छोटा बड़ा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का यूज किसी भी नाम हो तो बड़े लेटर में, और आई जहाँ पर ही कहीं पर भी हो बड़े लेटर में, पंचुएशन आपका आएगा, ये 2 नंबर का रहेगा। टोटली मिलाकर के ये टोटल आपका कंप्लीट हो जाता है टोटल। इसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन आएगा, 12 नंबर जैसा कि क्वेश्चन है हम सामने और दिखाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा ट्रांसलेटिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेटिंग आपका जो होता है ट्रांसलेशन कराया गया होगा, तो उसमें ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन आपको छोटा सा आएगा, लेकिन आपको अगर कर पाते हैं करिए तो 4 नंबर इसमें मिलेगा आपको ट्रांसलेशन। उसके बाद एप्लीकेशन या लेटर आएगा, एप्लीकेशन या लेटर ध्यान रखिए, एप्लीकेशन में से याद करना है तो लेटर में से 2 रहेगा, थोड़ा करके और करके आपको दोनों दिया रहेगा, तो एप्लीकेशन या लेटर में से किसी एक को करना था। अगर आप एक ही याद करिए तो एप्लीकेशन या तो लेटर, एप्लीकेशन अगर याद करना चाहते तो मैरिज
यानी घर में या तो छुट्टी लेना हो, जिसको कहते हैं छुट्टी, छुट्टी लेना हो, या तो घर में बहन की भाई की मैरिज पड़ी हो तो आपको छुट्टी लेना हो, ठीक है, यहाँ पर लीव लिख दिए हैं, या अरेंजमेंट गेम, आपका कोई स्कूल में गेम कराना हो, उसकी व्यवस्था करना हो, तो उसके लिए आप एक अप्लीकेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आप तीन याद करना, एक मैरिज का, एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, अरेंज गेम का, इनमें से आपको एक मिल जाएगा, तो ये अप्लीकेशन याद कर लीजिए। अगर लेटर याद करना चाहते हो तो बर्थडे पार्टी इन्वाइट करना हो मैरिज पार्टी में, और अटेंड मैरिज करवाना हो, किसी को बुलाना हो, तो इस तरह से इनमें से आपको लेटर याद करना है। लेटर अप्लीकेशन कोई भी याद कर सकते हैं। ये आपका टोटल आपका हो जाता है चार नंबर का, ठीक है, तो चार अंक का ये हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा जिसको कहते हैं कंपोजिशन, यानी हम अपनी भाषा में कहते हैं एसे, ए आएगा। एसे में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एसे में आपका हेडिंग दी रहेगी, हेडिंग आपको मिल जाएगी, ओके, और छह नंबर का रहेगा तो आपको हेडिंग मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप याद ही करना चाहते हैं दो तीन, तीन या चार निबंध रहेगा, तीन निबंध रहेगा, तो उसमें केवल एक करना होगा, आपको एक करना होगा। तो निबंध अगर तैयार करना चाहते पुलिसमैन पोस्टमैन में, और माई फादर मदर या ग्रैंड फादर, इनमें माई फादर मदर या ग्रैंड फादर, और टीचर और फ्रेंड पर, माई बेस्ट टीचर माई बेस्ट फ्रेंड इन पर, या माई फेवरेट बुक, या माई फेवरेट प्लेस, या माई फेवरेट गेम, माई फेवरेट फेस्टिवल, या पोल्यूशन, इतने पे याद कर लेते पक्का 100% मैं लिख के देता हूँ आपको मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से पैसे हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आपका आता है, अब पढ़े होंगे अनसीन पैसेज आता है लास्ट, तो अनसीन पैसेज में आपका आता है दो से तीन आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस तरह से पहले अप्रोच होता है ढूंढ कर लिखने के लिए, इस पर प्रश्न होगा। तो इस तरह से आपका 15वां क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ढूंढ, ये भी छोड़ना नहीं है, ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके उत्तर उसी में ढूंढ के देना है, ये आपको पक्का करना है, 100% इसको करके आना है, ध्यान में रखना है, ओके। तो इस तरह से आपका 15 क्वेश्चन का ये पेपर होगा आपका हाई स्कूल का, जिसमें आपको अच्छे से मार्क करने हैं। अगर आप तैयारी नहीं कर पाए फिर भी आप इसको एक बार फिर से वीडियो देखें, कौन कौन से क्वेश्चन को आपको करना, जाकर फिर से PDF डाउनलोड कर लीजिए जाकर के, और आपको कोई भी और मटेरियल चाहिए हिंदी की, आपके इसी तरह का क्या क्या चीज़ें आना हिंदी के लिए भी बनाए, जाकर वीडियो प्लेलिस्ट सब्सक्राइब करके चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हैं, सभी वीडियो मिल जाएंगी, भौतिक विज्ञान केमिस्ट्री सभी की वीडियो मिल ही जाएंगी। और अगर अच्छा लग जाए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को कर दीजिए सभी फ्रेंड में, सभी हर एक सोशल मीडिया पर आप शेयर कर दीजिए इसको, और PDF शेयर कर दीजिए, ओके। तो हम आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगली वीडियो फिर मिलेगा, और मोबाइल और कंप्यूटर से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हम मोबाइल और कंप्यूटर की तैयारी कराने के लिए हम आपको बनाते रहेंगे, ओके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक टेक्नो प्लस स्टडी वैन बने रहिए, जो कि पहले था धरुली टेक्नो नॉलेज एंड चैनल, अब बन गया है टेक्नो प्लस स्टडी, और फिर अगली वीडियो मिलेंगे। संतोष कुमार को दीजिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।